जय हिंद जय भारत इन वेलकम टू डेफॉक्स इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई है के अंदर कुछ चीजें हिलती हुई दिख रही है, so तो you know, है इसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट करना है एंड क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है एक तरफ ये वॉर एस्कलेट हो रही है दूसरी जगहों के अंदर दूसरी तरफ गाजा के अंदर

एंड uh, आप लोग मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द क्यूआर कोड ऑन द स्क्रीन दूसरी तरफ आप लोग यू कैन आल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ द चैनल या फिर सुपर स्टिकर्स और सुपर चार्ज भेज सकते हैं पीपल वास सेइंग अब्रॉड कैन यूज पेपैल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय एफर्ट लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन एंड देखते हैं इजराइल में क्या हो रहा है मेरा जो सवाल है इज हमास गिविंग अप थोड़े टाइम पहले चीजें निकल अभी दो तीन दिन से ये चीजें निकलनी शुरू हो गई हैं कि हमास के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है एंड व्हाट वी कैन सी इज कहीं ना कहीं हमास थोड़ा ढीला हो रहा है राइट right? सरेंडर होने शुरू हो गए जो एक आइडियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं कि इतनी जबरदस्त आइडियोलॉजी है कि इनको मरना ही है ये है वो है वी आर सींगम कमिंग आउट विद हैंड यार बस हो गया वी कॉन्ट फाइट एनी मोर

जो भी मैप बनाते हैं कंट्रीब्यूटर्स uh, हैं काफी सारे एक वॉर मैपर करके ट्विटर आईडी है जो काफी एक्यूरेट मैप्स बनाते हैं मैंने काफी जगहों से इसको क्रॉस uh, चेक भी किया है आई थिंक सैटरडे संडे के चक्कर में ही इज नॉट देयर बट सिचुएशन देखिए आप गाजा सिटी जो है वो काफी हद तक आईडीएफ के कंट्रोल में आ चुकी है ठीक है एक दो पॉकेट्स हैं जहां पर ये लोग जा रहे हैं दे डूइंग क्लियरिंग क्लियरिंग ऑपरेशंस साउथ में

जिसको मैंने बताया था आपको उसका चाइना के साथ कनेक्शन है ही ऑन द ग्राउंड ये दो लोगों का हंट चल रहा है आपको पिछली बार दिखाए थे वो इशू हुए हैं बट दीज आर दू गाइडलीज आर गोइंग आफ्टर हार्ड गोर इनमें से एक का क्रेडिट कार्ड मिला था आई था एक घर पे लोगों ने रेड मारी थी इट वॉज एन एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपायर्ड कार्ड याद है मैंने कल कल रात को जयपुर डायलॉग में भी बताया था इसके बारे में तो एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड मिला था दैट वाज अ प्रीटी मच क्लू की उस जगह के अंदर इस बंदे की मूवमेंट uh, रही है uh, अच्छा ये थोड़ा एक बार ही देखिए यू कैन सी दिस मैप एंड लुक एट दिस मैप दिस इज द मैप ऑफ द टनल्स ठीक है एक प्रोजेक्टेड मैप है टनल्स का जहां पर uh, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं ऑपरेशन जो इज कर रहे हैं वो बेसिकलीरिया के अंदर है राइट सो देर इज अंटेड एफर्ट किस को तोड़ना है कहीं ना कहीं एक चीज पता चली है कि देर इज टोटल ऑफ फाइव हंड्रेड किलोमीटर और ये जो मेन बंदे हैं इनकी टनल डीप एज डेढ़ सौ फुट नीचे जाती है तो ये नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क है आज मैं इनके बारे में पढ़ रहा था मुझे यह पता चला कि दो तरह की हैं टनल पर एक तरह की टनल है जो बेसिकली टैक्टिकल फाइटिंग टनल है टैक्टिकल फाइटिंग टनल का मतलब ये एक स्ट्रीट स्ट्रीट से दूसरे जाने के लिए इधर करने के लिए उधर करने के लिए वो सब के लिए टनल जो इन डेप्थ हैं विच आर स्ट्रेटिजिक टनल जिसके अंदर इनके स्टोरेज हैं कमांड सेंटर्स हैं ये है वो है दो बिलो दैट एज वेल जो अभी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं अब मुझे पता नहीं आई कॉन्ट से फोटोग्राफ जो आप लोग देखते देखते हैं और छोट -छोटे जो देखते हैं, हैं और छोटे-छोटे वीडियोस जो नीचे भी भी जा चुका है, उसकी आई पर ये वो सब कुछ दिखा था हमको सो देर्कट इज बीइंग ब्रोकन कई जगहों पे पानी भरने की कोशिश करी बट दैट थिंग डिड वर्क टू सर्टेन एक्सटेंट बट ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर एंड पानी काफी जगह से लीक कर गया देर आर फ्यू अदर मेथडिंग ठीक है अभी वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं एक स्पॉन्ज बॉम का हमको पता है वॉटर का हमको पता है वो क्या है क्या नहीं है राइट सो मैप्स बनने शुरू हो गए right? so, मतलब देव बीन एबल टू क्रिएट मैप्स ऑफ द टनल्स

पुतिन साहब ने बड़ा क्लियरली कंडेमनिंग टेररिज्म जो हमारा स्टैंड है ना भारत का जो स्टैंड है कि साहब वी डोंट स्टैंड विद टेररिज्म सिविलियंस इन गाजा पे हमारी चिंता है हम उनको एड भेजेंगे ये करेंगे रशिया ने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वही स्टैंड लिया है ठीक है तो उन्होंने बोला है कि भाई ट्राई एंड अवॉइड ग्रेव कॉन्सिक्वेंसिस ऑन सिविलियन पॉपुलेशन जो हम लोग भी वही बोल रहे हैं तो एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड बात हुई है इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना और रशिया चाइना ने अभी तक बात नहीं करी है एक्चुअली तो है, है, वो है रशिया मेरे हिसाब से इस कॉल से ही अभी चीजें बाहर निकलेंगी इस तो इंसे, दिस उसको नहीं चाहिए कि मैं वो इस चीज के साथ खड़े हो क्योंकि उसको पता है चाइनीज के ऊपर बहुत जबरदस्त ब्लोबैक आएगा इसका

वो इस तरफ आएगा और आपको ये जान के हैरानी होगी इस टाइम पे द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल सबसे बड़ा इंपोर्टर रशियन ऑयल का यूरोप है ठीक है जी हेजबोला का आज बड़ा एक उन्होंने एक एक, एक वार्निंग दी है बड़ी ऑडियस सी वार्निंग है बड़ी क्रेजी सी वार्निंग है और ये वार्निंग थ्रेट्स ये दिए जा रहे हैं काफी टाइम से माइनर अटैक्स आते हैं बॉर्डर पे मैंने आपको बताया एक

तीन लाख कई लोग बोलते हैं मिसल्स हैं इसके पास रॉकेट्स हैं बहुत अनगाइडेड जैसे जो थोक में मारते हैं वो सब कुछ है टैंक्स हैं ये है वो है सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस एंड दूसरी चीज क्या है लेबनॉन इज नॉट अ फ्लैट टेरिटरी जैसे गाजा है यहाँ पर छोटे छोटे हिलॉक्स हैं ये हैं वो है सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टैक्टिकल चैलेंज ये एक थ्रेट काफी टाइम के बाद निकला है ऑल फायरिंग शायरिंग चल रही है वो बॉर्डर के ऊपर बट इन्होंने बहुत टाइम के बाद एक स्टेटमेंट दिया है this is on, this thing. Israelis ने जवाब दे दिया fighter jets भेज दिए उसने बेरूट के ऊपर. तो ठीक है, लेबनान में Hezbollah रहती है जो अपने आप को एक मेन स्ट्रीम करना चाहती है लेबनान के अंदर वो लेबनान पे मैसेज भेजता है बेरूट में भाई साहब देखो आई कैन हिट यू इन योर हाउस तो इन लोगों को बोलो पीछे हो जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी रेड्स भी हुई है सदर्न रेबलॉन में यारून करके एक जगह है वहां पर बहुत जबरदस्त एयर रेड हुई है जो पता चला है कि एक मिसल वेयर हाउस को हिट किया गया है क्योंकि जिस तरह का एक्सप्लोजन ये वीडियो के अंदर है इट इज एक्सप्लोजन उसका मतलब कुछ दिखता है कि किसी वेयर हाउस किसी एमिनेशन डंप पे कहीं ना कहीं पे रेड हुई होगी आज ये सब कचरा होने के बाद इस ने फाइनली बोल दिया है वी कैन नॉट एक्सेप्ट लिविंग विद हेजबोला ऑन आर बॉर्डर ये एक बड़ा सवाल है कि ये एक थ्रेट है कि गाजा खत्म करके इसराइली इस तरफ आएंगे कि इस तरफ एक सेकेंड फ्रंट इसराइली खुद खोलेंगे समथिंग दैट वी हैव टू लुक एंड सी गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इसराइलीज भी तंग हो रहे हैं वहां से रोज रॉकेट फायर होती है ये होता है वो होता है थ्रेट्स आती हैं एंड वहां पर नसर अल्लाह है वो हेड ऑफ हेजबोला थोड़ा सा पागल है वो भी बट उसको अभी तक उसने अपनी यू you नो know, Rains पकड़ी हुई है। देखिए गाजा आराम से खेल जाएगा not a problem. This is quite a tough challenge, क्योंकि ये बड़ा फ्रंट है, ठीक है इनके पास पावर ज्यादा है और ये लोग सिविलियंस के ऊपर काफी डैमेज कर सकते हैं ने भी थ्रेट दे दिया तो आप देखिए तीन फ्रंट से थ्रेट आ रहे हैं इसराइल को गाजा में ऑलरेडी लड़ रहा है का थ्रेट आ रहा है एंड ऊपर इसराइल का थ्रेट आ रहा है हुथीज कहां बैठे हैं अक्रॉस जॉर्डन अक्रॉस सऊदी अरेबिया ये लोग बैठे हैं सदर्न यमन में इन लोगों ने बोला है बड़ा क्लियरली बोला है कि रेड सी के पास में कोई भी शिप अगर इसराइल को जा रही हो किसी भी कंट्री की जो मर्जी हो हम उठा लेंगे उसको नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन ये चीज आपको थोड़ी बात करनी पड़ेगी ये चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी क्योंकि आपके शिप्स एग्रीकल्चरल से के लिए इसराइल जाते रहते हैं

वेरी 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 डेंजरस थिंग क्योंकि ये वाला जो फ्रंट है अटैक हुआ है इसराइल में अटैक हुआ है सो दीज गाइज आर बिकमिंग अग्रेसिव और तीन शिप्स इनके पास ऑलरेडी बचे हुए चौथे शिप में अमेरिकन ने बचा लिया था तो वो बच गया थ्री शिप्स हाईजैक और ये रोज फोटोएं है दिखाते हैं By the way, the only journalist who's allowed there is guess who? I'm sure आपके दिमाग में एक आ गया होगा जिसका नाम है अल जजीरा बाकी कोई अलाउड नहीं है उधर पे नो बडी एल्स इज अलाउड बस वो ही एक जा सकता है बाकी सब ठीक है ठीक है तो ब्लूमबर्ग इजरायली मीडिया ये दोनों जगह पे एक चीज आई थी कि साहब कल एक मीटिंग हुई है सऊदीज के बीच में यूएई के बीच में और अमेरिकन भी थे वहां पर जो एक प्लान कर रहे हैं कि ये हुतीस की कैसे घंटी बजाई जाए अब दिस इज अग दिस थिंग अगर ये कोलिशन हुतीस के अगेंस्ट में चले गया इसका मतलब होगा लैटरल एस्केलेशन इसका मतलब दूसरा ये होगा कि ईरान और सऊदी के जो कॉन्टेक्ट हैं उसमें थोड़ी सी टेंशन आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हूतीज सपोर्टेड ईरान

ये जितना भी रीजन है और राइट ईरान में आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई उनका एक ऑयल रिफाइनरी है बिरजान जगह जगह है मैं आपको दिखाता हूँ कहां पर वो बड़ी क्यूरियस जगह है मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ देखिये ये जो ये जो वॉर है ना ये चारों तरफ लैटरल एस्केलेशन हो रही है इसके अंदर अब आप ये देखिए दिस इज अ मैसिव एक्सप्लोजन ठीक है यू कैन सी इट विद द स्टिल शॉट्स हियर वीडियोज भी हैं अवेलेबल देयर देयर ऑन ट्विटर इनकी ऑयल रिफाइनरी में जोर से एक्सप्लोजन हुआ लोकेशन देखिए दिस इज वेरी क्यूरियस टू मी व्हाई व्हाई वुड इजराइल जो एक तरफ है वो ईरान को पूरा क्रॉस करके दूसरी तरफ कहीं अगर अटैक करेगा कि कहीं ना कहीं अगर बोले नहीं ये ने करा है वाई वुड दे डू दैट बहुत दूर पड़ता है लॉजिस्टिकली वो बड़ा दूर पड़ता है The only place that this can come out from बड़े आराम से is Afghanistan. <coughs> so what is happening in this region? I don't know. ये या तो ईरान के अंदर से कुछ हुआ है अगर इसराइल ने करा है तो it is too far. But करा है तो करा है नहीं तो logical explanation कि ये अफगानिस्तान के पास से कहीं से कहीं बीबी उसने भी थ्रेटन कर दिया है और उसने यूएसए को बड़ा बोला है. को आज फोन करके बोला देखो भाई ये ऐसा है ये को संभाल लो नहीं तो मैं संभालूंगा इसके बाद इसको ठीक है सो यू प्लीज टेक माई दिस थिंग वेरी क्लियरली कि इनको संभाल लो आप अदरवाइज बी प्रॉब्लम्स

लिमिटेड सीज फायर नाउ इजिप्शंस रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इजराइल ने बोला है चलो ठीक है वी कैन गो थ्रू अनदर सीज फायर हमारे हॉस्टेजेस हमको वापस कर दो सारे इसका एक कोरिलेटिंग एविडेंस भी आया एक्चुअली मैं को वो फोटोग्राफ डालनी नहीं थी दे वर टेरिबल फोटोग्राफ्स जो हमास वाले अलकासम ब्रिगेड वाले हैं ये इजराइल के जो कैप्टिव्स है ना होस्टेजेस हैं इनके वीडियोस रिलीज करना शुरू करेंगे ये दो दिन पहले आया था और आज सुबह एक होस्टेज का वीडियो आ गया फोटोग्राफ आई है उसका पूरा ड्रॉ टूटा हुआ है फ्रेश डेथ हुई है उसकी एंड हाथों की उंगलियां टूटी हुई हैं दिस इट्स टेरिबल आई डिडंट वांट टू पुट दैट पिक्चर हियर इट इज एब्सोल्युटली टेरिबल ये लोग करना क्या चाह रहे हैं कि आपके लोगों को हम एक-एक हैं। एक करके मारना शुरू हो गए एक-ना एक डालने की कोशिश कर रहे के ऊपर, वर्क इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल ही जाएगा देखिए ये इनको पता है यार बैंड बजने वाली है बैंड बजने वाली है तो बोलते हैं यार ठीक है आज नहीं कल बजा लेंगे कोई बात नहीं एक दिन तो रेस्ट करेंट ट्राइन बाय टाइम मेरे को लगता नहीं है कि इसराइलीज अभी आगे जाएंगे जब तक खान यूनिस जहां पर लीडर्स हैं अलकासम ब्रिगेड के हमास के लीडर्स जो हैं जब तक वो पूरा नहीं होता आई डोंट थिंक टू दिस इसके अंदर एक कैच है कैच ये है कि इतना सीनियर लीडर है तो कहीं ना कहीं वो ये हॉस्टेज को अपने साथ तो नहीं बिठा के बैठा हुआ है कि अब तू मेरे साथ बैठ जा भाई यू आर माई ह्यूमन शील्ड

ठीक है जो हमास का मेन लीडर है याया, आ, ये उसकी फोटोग्राफ है देख लो क्या कर रहा है वो एक ऑपरेशन I mean like शुरू हुए हैं और इसने टनल नेटवर्क यूज करके ये साउथ में खान यूनिस में आके बैठा है सो दिस इज अ वेरी क्लियर इंटेलिजेंस रिपोर्ट कम वी नोट तक रॉकेट फायर डेली एवरी डे ठीक है रॉकेट फायरिंग एवरी डे सरेंडर्स जो हो रहे हैं मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा बट उसका एक मीनिंग है जो मैं अभी थोड़ा सा बोलता हूं उसके बाद बाद में बात करेंगे कि कहीं ना कहीं हमास का एक कंट्रोल थोड़ा सा लूज हो रहा है कमांड स्ट्रक्चर लूज हो रहा है क्योंकि ये बंदों को पता है यार फोन कर रहे हैं यार कमांडर से कुछ फोन नहीं आ रहा बेचारे कहीं फंसे होंगे इधर पे हालत खराब

तो वो पॉइंट कि उनके उनका रिपोर्टर को जब पता चलता है ये तो एंटी हमास बोल रहा है वो तो इस ट्राइंग टू शट हिम अप बट वो हो नहीं रहा यूएस एम्बेसी इराक में बड़ा जबरदस्त अटैक हुआ है नाउ ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है कि यूएस इतना वीक हो गया है कि इनके एम्बेसी पे अटैक होता है और यूएस कुछ करता नहीं है दैट इज अमेजिंग आई मस्ट से तो जो बाइडेन है ना ही हैज वीकेंड अमेरिकाज इमेज क्योंकि ये जो अमेरिका का एक मेन पावर सोर्स है मिलिट्री अगर आप अपनी मिलिट्री यूज नहीं करोगे जब आपके ऊपर अटैक आएगा तो आप में और हमारे में जब 2611 का जो रिस्पॉन्स हुआ था उसमें क्या डिफरेंस है मुझे आप जरा बता दीजिए बोलता है कि साहब खान यूनिस खान यूनिस खान यूनिस उस, उसके मुंह से और कुछ नहीं दो चीजें मैंने बोला था

जराइल के अंदर एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहे हैं राइट right? uh, मेरे पास उसके वीडियोस आए हैं इट इज रिडिकुलस जो लेफ्टिज्म का एक जो एक जो क्या बोलू इट्स वर्स वायरस जो इंफेक्शन है वो इसराइल के अंदर भी है एंड इट इज टेरेबल दैट आपकी कंट्री में इतना बड़ा अटैक हुआ छोटे से है हमारे को एक लेसन लेना है कि साहब ऐसा है हमारा देश भी घिरा हुआ है दुश्मनों से कहीं ना कहीं वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि साहब वी विल नॉट टॉलरेट इंटरनल यू नो इंटरनल डिसेंट की कभी बॉर्डर पे आपकी वॉर चल रही है और आप अंदर से पीछे से प्रोटेस्ट करो तो सॉरी इट नॉट बी टॉलरेटेड दैट समथिंग विच इज फेल नाउ हमास का सरेंडर काफी वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे एंड पैलेस्टीनियन ने कंफर्म किया है way, आपको याद होगा ये यू एन आर डब्लू इट इज ये लोग इसका एक टीचर ने एक हॉस्टेज अपने घर में रखा हुआ था पता है आपको कैन यू यूएन वाले ने टैग है उसके पास जो हॉस्टेज रिलीज होके वापस आए हैं इसराइल वो सब बोल रहे हैं कि काफी बारी हम लोगों को हैंडल करा लोगों ने जिन्होंने ये टैग पहने हुए थे तो ये वीडियोस आए काफी हंगामा मचा इसके ऊपर कि भाई इनके कपड़े क्यों उतार रखे हैं ये क्या हो रहा है ये तो डिमनाइजेशन है ये है वो है ऑल दैट स्टफ ठीक है दूसरी चीज यहां पर स्कूल का डायरेक्टर पकड़ा गया हमास के साथ और एक और यूएन एम्प्लॉ हमास के साथ कैप्चर किया है आईडीएफ ने हमास के साथ नॉट विद पैलेस्टीनियन सिविलियंस ये हमास के साथ थे यूएन वाले चलती है सारे वहां पर खड़े हुए हैं एंड लोग पूछ रहे हैं यार इसको जब पकड़ा तुमने पहले कपड़े उतवार लिए लेकिन उसका वेपन नहीं लिया ये क्या है देखिए कई चीजें ना शो के लिए भी की जाती है दीज इमेजेस मीन अ लॉट जब आपके जो सो कॉल्ड लीडर्स थे ठीक है दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो आपके लीडर्स थे जो एक टाइम पे आपको लाते मारते थे गाजन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं वो आज अंडरवेर में खड़े हैं अपने वहां पर सरेंडर कर रहे हैं

इनको इनको व्हाट कॉल गार्ड कर रहे हो इतने सारों के साथ पास वेपन होंगे तो इसराइली को तो भून देंगे कंट्रोवर्सी भी हो जाती है <laughs> अब इसराइली भी ना थोड़े बचकानी हरकतें करते हैं पता नहीं ये जान के करते हैं लोगों को भड़काने के लिए कि क्या करते हैं पता नहीं एक वीडियो निकला जिसमें इसने बंदूक ना लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई थी एक वीडियो निकला बंदूक राइट हैंड में पकड़ी हुई थी मैंने दोनों देखे हैं, मैंने ये चीज डाली है।, तो so है, है वो उनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है दिस इज इज नो क्वेश्चन अबाउट इट एंड अगर आप देखो वहां पर पतले पतले से भी हैं पतलो वालों को नहीं लेके आ रहा वो वो लेके आया मोटे वाले को पेट निकल रहा है जिसका आजा तू डाल पर वेपन। दूसरी फोटोग्राफ भी आई है जितने मोटे मोटे है ना, सबको आगे रखा हुआ उन्होंने। यार, नोटिस इट आप दो मिनट फोटोग्राफ को देखिए आपको बोलते हैं ना एक फोटो स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स लुक एट द फोटोग्राफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड

ये करा है एक मैसेज भेजने के लिए एंड दैट मैसेज इज गोन वर्क लेट मी टेल यू दिस हमास इन जावलिया बोलते हैं कि साहब हमारे को तो कमांड के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था करें क्या हम लोग किससे लड़े हमको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है ये लो भाई माफ करो हम नहीं लड़ते ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हमास की तरफ से कि देखो ये ये ना ये ये बदतमीजी कर रहे हैं इसराइल ये तो लोकल सिविलियंस है इनको पकड़ के इनकी पैंटें उतार के इन लोगों ने बोलते हैं है, ये है वो है ऐसा कुछ नहीं है हमारा एक भी सोल्जर सरेंडर नहीं करेगा टोटल थ्री हंड्रेड एंड है डंडा लगे खड़े थे हमको नहीं लड़ना नहीं, 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 नहीं भाई हमको माफ करो तो प्रॉपर जितना मर्जी चला लो रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है And कपड़े क्यों उतारे जाते हैं? It is for this reason. We must understand. And ये चीज़ देखिए, जब आप किसी को पकड़ते हो, कश्मीर में भी ये चीज़ें होती हैं यू मेक टेक ऑफ कंप्लीटली सो दैट यू वॉन्ट टू सी इसके पास कुछ इधर उधर तो नहीं है कहीं आप उसको अपने पास बुला लो और उसके पास सुसाइड वेस्ट हो वो तो जाए जाए उसको तो शौक है आपके छह बंदे साथ में चले जाएंगे

बोलते हैं तुम झा मर्जी छुपा मां के मारेंगे तुमको टर्किश ब है, तो ने, नहीं, 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 है, 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 है हमास की जो दो बटालियंस वेस्ट बैंक में है वो सर्वाइव करेंगी ये लोग कोई विश्वास नहीं करता कि हमास की प्रेजेंस वेस्ट बैंक के अंदर भी है बट लेटमी टेल यू इट इज देयर हमास का जो ग्लोबल नेटवर्क है जो हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हमास स्टडीज के अंदर आता है जो वहां पर भी बनता है जो वहां पर प्रोपेचुएट करता है उसका नेटवर्क वहां पर फिर भी सर्वाइव करेगा इंसर्जेंसी चलती रहेगी ठीक है क्योंकि ये हमास वाले उंगलियां करते रहेंगे जो भी बचेगा वो इंसर्जेंसी करेगा एंड एक चीज मैं बता रहा हूं ये चीज इसराज मानते नहीं है ठीक है आई स्पोकन टू टू थ्री ऑफ ये कोई नहीं मानता एक्सेप्ट गैब्रियल ने उस दिन हाँ बोला था येस आई एग्री विद यू बट मैंने बाकी इसराइली से जिससे भी बात करी है वो मानते नहीं है कि देर इज अ रैट लाइन रैट लाइन का क्या मतलब होता है एक छुपे हुआ रास्ता जहां से लोग अंदर बाहर कर रहे हैं अभी भी गाजा से क्वेश्चन है कि ये याया सिंह भाग तो नहीं गया वहां से देर इज अ रैट लाइन एंड वो कैसे चल रही है मैं किसी दिन समझाऊंगा आपको तो आपको हैरानी होगी

हाफ फ्रंट हमारे पास नहीं है इनके पास भी आधा फ्रंट अंदर है they have to be very careful. जैसी हमने तो दे दिया हमास वालों को पहले तो पत्थरों से लड़ते थे अब देखो सब कुछ रॉकेट है ये है सब कुछ है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं इसका एक मीनिंग हो सकता है कि साहब देखो वी है यू नो टेक टेक ऑन विद यू बड़े आराम से लड़ेंगे आपके साथ दूसरा मीनिंग ये है कि हमने जो करना था कर दिया भाई हम रिस्पांसिबल नहीं है ये लोग कर रहे हैं देर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ दिस स्टेटमेंट नाउ व्हाट डू वी मेक ऑफ दिस सरेंडर मैंने पहले बोला आपको कि एक कमांड स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज हो रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी क्योंकि जो जूनियर कमांडर्स होंगे वो आपस में लड़ेंगे ओए तू ये नहीं मैं है तू ये ऑल अ मिलिट्री ये हैं. है? तो दैट कैन है एंड वो चिल्लाना शुरू हो गए कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ एंड काफी लोग बोलते हैं हमासा डॉग्स मीन आई डॉग्स आई डोंट एग्री विद आप कैपिटल ले लो मतलब तो बड़ा सिम्बोलिक जगह है इसराइलीस हिलेंगे नहीं जब तक वो खान यूनिस कैप्चर नहीं होगा मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि ये सडनली सरेंडर होने शुरू हो गए कम्युनिकेट विदल कमांडर

उ स्पेशली बूढ़े लोग हमारे जो गधे लोग है उनको मार के हम हमारे लिए भला कर रहे हैं हमको थोड़ी अकल आएगी दिस किसी की इतनी हालत खराब हो जाए कि उसका पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर टूट जाए और ऐसी बात करे

ठीक है सॉरी सम जेम्स ऑफ द लेफ्ट थोड़े बहुत अब देखिए यार लेफ्ट ही तो मेरे सबसे बड़े अच्छे दोस्त है जॉर्ज सोरोज ये वो तो पांच मिनट में आपसे एक्स्ट्रा ले लूंगा क्योंकि ये लेफ्ट तो मेरे को दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स आई नीड टू टेक केयर ऑफ सो लेट्स लुक एट सम जेम्स फ्रॉम आई लेफ्ट ठीक है मैं इस सेगमेंट को बोलने वाला हूं लेफ्ट इज लूजिंग इट ठीक है जी हाय हाय थोड़ा हा, हाथ कवर कर लेना शक्ल हा रात को नींद नहीं आएगी तो पहले पंद्रह मिलियन की रिपोर्ट थी अब पचास मिलियन की रिपोर्ट आ गई है भाई साहब इसको वॉशिंग मशीन में डाल के धोने वाले हैं ये लोग, मैं बता रहा हूं इसका हो गया टाइम अप, ठीक है, तो धना धन रिपोर्ट आ रही है गालियां दे रहे हैं लोग इसको ठीक है क्लियर एंड कट गालियां ये बड़ी शेमफुल चीज है

सबने बोला ये अब बताइए कौन कितना वीक लीडर है आप, आपके सामने यू कैन इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड ये चीज इनके जूस फेस्टिवल पे हुआ जब जूस बेचारे कैंडल चला रहे थे अपने फेस्टिवल के लिए नीचे ये डेथ टू द जूज बोल रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच माई लेफ्ट फुट दैट्स ऑल आई वुड से हमास का मैं बोलता रहता हूं कैजुअल्टी फिगर्स पे विश्वास मत करिए मत करिए मत करिए तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी ठीक है तो कैलकुलेशन के अंदर 312 लोगों की फिटालिटी थोड़ी गलत थी दो दिन के दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड इनका जो विमेन का रेशो ऊपर नीचे जाता रहता है दैट इज समथिंग आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है अगर इनके टोटल्स टैली करें आप तो 312 लोग एक्स्ट्रा इन्होंने शो करें 312 पीपल और पूरी दुनिया दर वर्ल्ड इज यूजिंग दिस जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमास से आई कैनोट बिलीव दिस मुझे एक चीज बताइए हमास अपने बंदों को बिल्डिंग से नहीं निकाल पाता लेकिन उसको एग्जैक्टली पता है कितने बंदे मरे हैं बिल्डिंग के नीचे मैं याद कराऊंगा वो एपिसोड जब लोगों ने हवा मचाया था कि 800 लोग हॉस्पिटल में मरे हैं बीबीसी चढ़ गया था 800 800 800 एंड में पता चला अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बोला 30 से 50 है दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज बिलीविंग और हमारी जो लेफ्टिस्ट मीडिया है इसके ऊपर आर्टिकल छापी जाती है छापी जाती है छापी जाती है हमारे कई बोलते हैं, भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है ये तो पूरे बढ़ा रहे हैं देखिए है साहब आज टिकटॉक के अंदर से आवाज आ रही है डेढ़ महीने से मैं बोल रहा हूँ टिकटॉक इज द की आप मेरे वीडियो देखिए मे मेरे चैनल पे जाके मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया का फोल्डर है प्लीज गो देर एंड सी प्लीज गो देर एंड सी आई हैव बीन सेइंग इज़ द की टिकटॉक को बंद करो ये ठीक होगा ना आज टिकटॉक के अंदर से जवाब आ रही है देखते हैं इनको अकल आती है कि नहीं बिल्कुल <coughs> मेरे को लगता नहीं आएगी फ्रॉम द रिवर टू द सी हमारा डायलॉग क्या है फ्रॉम द रिवर टू द सी Be. आप बिचारे इसराइलीस को पानी में फेंकना चाह रहे हो तो हम आपको इनकी इन्फॉर्मेशन वॉलफेयर इतनी अच्छी नहीं है इसराइली से, इस से. से क्योंकि ये चीज तो मैं काफी इसराइली से सुन चुका हूँ कि भाई तू कहा से लाता है ये सब कुछ अब आया ऊट पहाड़ के नीचे देखिए हमारे भारत में भी बड़ा फेमस है ये जारा आज भैया बॉयकॉट जारा का कैंपेन चल रहा है क्यों जारा ने ये ये एक एड कैंपेन निकाल लिया देख रहे हैं वो आंटी एक वाइट स्टैचू जिसको प्लास्टिक में लपेटा हुआ है कपड़े में प्लास्टिक में जिसमें लपेटा हुआ है ये चीज अभी टैली की जा रही है पैलेस्टीनियन सिविलियन से एंड बॉयकॉट जारा का ट्रेंड शुरू हो गया है तो अब जारा के मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मिडल ईस्ट में और कहीं ना कहीं शीशे टूटेंगे और ऐसे उल्टे काम होंगे सो वेल डन जारा वेल डन वेल डन दिस इज कॉल्ड किकिंग योर सेल्फ इन इन योर बैक साइड वेल डन स्लो क्लैप स्लो स्लो क्लैप देखा बॉयकॉट जारा मिडल ईस्ट के अंदर शुरू हो गया है पेन यूनिवर्सिटी का आपको पता ही होगा लिज्म इसके ऊपर कल या परसों में मैं एक छोटा सा शो करूंगा जो हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने लिखी थी क्योंकि मेरे पास थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आने वाली है एक्सप्लोजिव आपको पूरा गेम दिख जाएगा उसके अंदर से राइट बट दिस इज ऑलरेडी चल भाई गाया बोला और सबसे फेवरेट मेरे यूजलेस नट्स

जिनके लोग बाय द वे टेररिस्ट के साथ काम करते हैं पकड़े गए हैं वो कहता है, नहीं नहीं ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रहा है ना ये ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो भाई साहब तुम क्या कर रहे हो वहां पर तुम्हारा काम है डिस्ट्रीब्यूट करना इट्स योर जॉब उसके कहता है दिस बीइंग यूज्ड एज वेपन ऑफ वॉर तो रोको भाई इट्स योर जॉब टू डू इट बट नाउ Obviously, आप टेररिज्म के अंदर घुसे हुए हो तो कहां से करोगे ये सब काम? दिस इज करंटली फाइव वॉर्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक वर्ल्ड वॉर टू के बाद highest नंबर मैं ये काफी लोगों से पूछ चुका हूं मैं आपसे भी पूछता हूँ आ वी इन द सेक्ट वर्ल्ड वॉर थ्री ग्लोबल वॉर नहीं है बट ग्लोब में वॉर है डेंजरस टाइम्स वीटो यूके ने बाय द वे एबस्टेन किया आई थिंक यूके को थोड़ा सा डर लग रहा है यार मेरे मेरे ना घर में ये आग लगा देंगे अगर मैंने कुछ इधर करा सो दे एबस्टेन घर का प्रेशर आ गया ना वहां पर मोहम्मद इजाब और ये लोग जैसे लोग बैठे हैं वहां पर बट यूएस सेड बम आई डोंट केयर एबस्टेन इजराइल मार दिस इज समिंग दैट इज कमिंग आउट क्योंकि ये जो वीटो हुआ है उसके बाद एक ग्लोबल स्ट्राइक कल, कल सुबह से नो वर्क नो शॉपिंग नो स्कूल नो नथिंग दिस इज बींग सेट इन देश अब पता नहीं है कितना सक्सेसफुल होता है क्या होता है बट दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज बींग स्प्रेड इन ऑल लैंग्वेजेस मैंने हर लैंग्वेज में देखा है ये भारत में भी घूम रहा है

अब बेवकूफों तुम्हारी कंट्री ने किस किस को बनाया आप तो लड़ रहे हो ना सबसे इट्स अमेजिंग दैट दिस गाइज आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक दिस बट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप न्यूयॉर्क टाइम से काफी लोग बोलते थे मैंने भी ये चीज बोला था कि यार ये वन इज टू का रेशो जो है कि एक इजरायली के लिए तीन पैलेस्टीनियन आप वापस कर रहे हो ये क्या है तीन गाजन को वापस कर रहे हो व्हाट इज दिस नॉनसेंस ये चाहे वो जहा मर्जी का हो बट फिर मेरे को याद आया मैंने बोला सोचा फिर एक चीज समझ में आई मैंने बोला दो चीजें हो रही है इसराइल कर रहा है आज तक बाई टिल टूडे फ्रॉम द ऑफ अक्टूबर फ्रॉम द वेस्ट बैंक इसराज पिक अप थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड पीपल थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड जेल में डाल चुके हैं उनको दूसरी चीज मेरे को एक और समझ में आया कि यार इजरायली तो खुद गाजा के अंदर है छोड़े छोड़ा इनको है इनको भी तो गाजा में ही छोड़ा कितना टाइम लगेगा इनको उठाने में ऐसे डैम दैट्स अ गुड थिंग थोड़ा सर्च करा इधर-उधर देखा आईडीएफ का एक एक्सपोज पर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल है वो काफी बात करता है इधर-उधर आई एम ट्राइंग टू गेट हिम ऑन द चैनल वो कहता है नहीं है कि वो हमको कहीं रास्ते में दिखा हम ना उठाए उनको अपने बंदे उसके जाके इनको ही उठाएंगे वे वापस। एंड दूसरी तरफ देव ऑल्सो पिक अप थ्री थाउजेंड पीपल तो आपको समझ में आना चाहिए बट इस बेवकूफ नहीं है

ले लो इनको सबको वहां पर दे दो अपना देश वैसे भी साठ परसेंट पॉपुलेशन तो आपकी पैलेस्टीनियन है पुराने ज़माने में पैलेस्टीन जॉर्डन द बोलते थे जिसको उसके बाद वो जब ऑटो आए काफी बॉर्डर तक शिफ्ट हुए बट मोस्ट ऑफ दिनियन पीपल है

हो गया काम खत्म लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली इवन द पीपल इन पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक है वो भी परेशान है इनसे तो कहीं ना कहीं इसका टाइम खत्म हो गया है मेरे हिसाब से कंप्लीट

ठीक है, बॉयकॉट यूएस प्रोडक्ट मैं उनको बोलता हूं आपको बोल रहा था भाई साहब इट्स नॉट रेलिवेंट एनी मोर इट विल नॉट वर्क जब तक टू स्टेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं निकलेगा तब तक इट विल नॉट वर्क अगर आपको ये घाव ये खुला चाहिए ठीक है अमेरिकन को जैसे शौक है

There is no question. ये जो याया इनको पकड़ना है इनकी बॉडीज इनको दिखानी पड़ेगी इसराइल को इफ्ट एस्केप ना कट जाएगी इसराइल की so that's not an option. Escalation मैंने आपको के बारे में बतायाबाउट एंड वेस्ट बैंक में जो दो बटालियंस हमास की है दैट कैन कम एन हिट आई एम श्योर दर रेडी बट दैट इज अग थ्रेट बट उससे बड़ा थ्रेट मैं फिर से बोल रहा हूं इज कमिंग फ्रॉम यमन मेरे को क्या लगता है जो इजरायली ने फिल्म बनाई है ना उसमें से छोटे छोटे सेगमेंट्स निकलने शुरू हो गए हैं कभी ये थोड़ा यहाँ का वीडियो यहाँ वीडियो यहाँ <coughs> हमास के गोप्रो से जो फिल्म बनाई है मेरे को क्या लगता है कही न, कहीं ना कहीं इसराइल वे, वेट कर रहे हैं दे आर वेटिंग फॉर वॉट कहीं ना कहीं ग्लोबल एफर्ट ग्लोबल जो एक सपोर्ट बेस है वो थोड़ा गिरे हम ये फिल्म रिलीज करेंगे They gonna play that, psychological war आगे जाके गाजा में बनाना पड़ेगा ठीक है और वो बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये लोग सिविलियंस के ऊपर गेम खेलने शुरू करेंगे दे विल मेक द सिविलियंस मोर एंड जो ये सरेंडर किया है स्टेज था जो मर्जी कह लीजिए दिस सेंड्स अ बिग मैसेज टू द पॉपुलेशन कि भाई ये टूट रहे हैं ये टूट रहे हैं ठीक है जी एंड यूएस का इन्वॉल्वमेंट अभी एक कहीं ना कहीं रियलिटी हो सकता है यमन के अंदर बट वो फिर भी दूर से करेंगे दे विल लेट द सऊदीज एंड

या फिर आप सुपर स्टिकर्स एंड सुपर चार्ट्स भी भेज सकते हैं इज़ वी विल स्टार्ट विद सबसे पहले अमित थैंक यू ना थोड़ा पीछे हो रहा हो ये वी का देखिये रशियंस ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक पॉपुलेशन कहीं वो रेडिकलाइज हो गए और यहाँ पर गड़बड़ होनी शुरू होगी तो बिग दे, हो प्रॉब्लम Amongst themselves. Okay. Karti K.N.G., thank you so much for your contribution. Punam Sarafji, thank you so much for your contribution. R.K. Raoji, thank you so much for your contribution, sir. Thought Provocator, uh, thank you so much. Uh, IDF turned Hamas fighters into Nanga strippers. Yeah, well.

नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं करा ऐसी बात मत करो यार जॉनसन थैंक यू यू सो मच डू सी अजरबैजान प्लेइंग अ रोल गोइंग फॉरवर्ड इट हैज क्लोज रिलेशंस देम एंड दे शेयर अ 700 किलोमीटर बॉर्डर विद ईरान विच इजराइल कैन यूज सी अजरबैजान इज राइट नाउ लुकिंग एट क्रिएटिंग टू इंडिया ठीक है saab, <laughs> <laughs> hold your. I'd recommend them to tighten up their diaper strings. But in any case, you know, see, Azerbaijan would not want to get involved. The problem is, I'll tell you, problem is that Azerbaijan if involved. Azerbaijan will be stuck with two fronts. And no country wants to do that. Armenia will be one, and the other side, these, these monkeys will be sitting there. So I don't think any country would want to put themselves into a position. Where they open up a two front threat for themselves. And let me just say this Azerbaijan, ke paas, because Armenian army is pretty bad, they have started concentrating on their weapons only now. Saal mein. Shuru mein kuch nahi tha in paas. So at one time, Armenian ar army used to be very good. Uh, the reason Azerbaijanis are winning today is because the Armenians are stupid and weak. Let me say that very clearly. Okay, uh, uh why not Indian media interview Gabriel former IDF soldiers so that everybody can know the reality of Hamas? I'd rather he stay with me here. <laughs> Exclusive to Adi Achin's Dev Talks. Uh Jahin, recently Hamas claimed that they have destroyed many armored vehicles of IDF and also surrounded many IDF soldiers in a building, killed many. Please tell me it's all fake. Any... देखिए जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है ना जिसने क्लेम किया होता है वो उस क्लेम को आगे फॉलो अप करता है फोटो दिखाता है कुछ दिखाता है वहां पर ऐसे एक ट्वीट लिखना और आई डोट नो इट्स आई डोंट बिलीव इट बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी दिस थिंग क्योंकि देखिए इसराइलीज भी कभी कुछ बोलते हैं ना हमने ये किया है उसके बाद वो आपको दिखाते हैं कि ये देखो ये देखो इसका ये है जैसे हॉस्पिटल में बोला था इन लोगों ने ये देखो इनके पास यहाँ पर टनल्स हैं दिखाए उन्होंने हमास ने ये करके सोमनी नमस्ते माई किंग आई ऑब्जर्व समथिंग रिसेंटली जर्मनी कैनेडा वन बाय वन आर अटेम्प्टिंग द सेम पॉलिसी टू रिड्यूस

which, Adi, there's uh, going to be a larger war which will be unpredictable, not just in the Middle East. India should also track defense. Absolutely. Fast track defense, no questions asked, brother. Okay, let's see. Tadani ji, you say Israel is faced up against classic two and a half front configuration on its immediate vicinity. Of course, given a trigger event, it could.

denver johnson, thank you so much. adi, we must not forget. azerbaijan won the war as most of their weaponry came from israel, especially the drones. besides israel, has lots of trade going on with them. yes, as a matter of fact, our map, I, I, I'll, I'll surprise you a little bit. azerbaijan sells oil to israel. and it comes from a pipeline which comes from baku into uh, ankara, ankara into the coast. ankara is in turkey. turkey, advanced turkey. then it comes down into the coast. it lands up turkish ships may load hota hai.

by the way the greek air force is known as the helianic air force uh, they've done exercises here remember Runkepas, pass rafales and f-16s <laughs> and upke uh, sukhois hain and uh, our aircrafts hain. so it's a two-way relationship they want to see how to fight the sukhois and other things and we want to see how to fight the f-16s so it's a good relationship and plus port, piri's port is there, which i've covered in very detail in our discussion. i've heard pakistan exported automobile oil and hydraulic oils as medical syrups to nations. wow. <laughs> brother, what do you expect out of this? this is not a country. i mean, i don't, don't think i'm getting frustrated, but this is this. i'm frustrated with china, with pakistan. this is not a country. this is a space which is known as pakistan. बॉर्डर दिखा दो यार मेरे को पाकिस्तानी यहाँ का बॉर्डर तो हमने बनाया आपके लिए वी हैव मेड आवर बॉर्डर आपने क्या बनाया आपने कुछ नहीं बनाया देयर इज नथिंग नोन एज पाकिस्तान गाइस पाकिस्तान इज जस्ट अ फ्रिकिंग आइडिया एंड लेट इट बी रिमेन एज एन आइडिया जिस दिन आप और हम बोलना शुरू हो गए ना पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री एनी खत्म फिनिश्ड लेट दैट आइडिया डाई इट्स ओन डेथ okay let's see let's see let's see let's see mm -hmm. yeah even some arabs celebrated uh, i okay I am, i'm not going to even try i'll spoil myself this hanukkah i mess up the pronunciation always yes an arab was lighting a candle on the hanukkah

Okay. Let's see. Let's see. Let's see. If TikTok is supposedly banned from the globe, but do we have Insta, which is actually made to lower IQ? What about that? Control. Don't use them. Simple as that. Read more. We've forgotten how to read. Teach our youngsters to read.

अगर इनके दुनिया में ये रियलाइजेशन आ रही है कि टिकटॉक खराब है हमारे पास भी आएगी आई एम नॉट सेइंग ऑल वी नीड इज एन इंसिडेंट बट दैट्स हाउ लाइफ इज समे डाउन द लाइन दिस स्टफ हैज टू स्टॉप ओके

Uh, when do you see the war ending the big uh section of the war within about 30 to 45 days but uh, smaller conflicts and the clearance operations for the next six to eight months minimum okay yeah I think okay I think we are we are good. We've also crossed one hour 14 minutes. I think that's it's good time to bring the show to an end. Okay, कल मैंने आपको बताया I've got some little surprises for you जो मैं आपको बताऊँगा. It's so nice that I can actually work out a new surprise every day. This show was fun. Uh, collect करते करते मेरे को भी I learned quite a bit क्योंकि normally मेरा एक show का structure दिमाग में होता है जो मेरे को बात करनी होती है ना I build it up after that. But इसके अंदर I also learned uh, quite a bit in this. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यूर यू है गुड क्राउड सो प्लीज 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 ये जाने से पहले लाइक जरूर करिएगा इसको थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज सो पार्टिसिपेटिव एंड एजटर फैक्ट वेरी रिस्पेक्टफुल इन मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई थिंक एक आधा वो बीच में टेढ़ मेड़े आते हैं बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग मी एयर सबको बहुत बहुत शुभरात्रि जय हिंद जय भारत